अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इरम नियाज़ी एंड आई एम वर्किंग एज एन एबीए थेरेपिस्ट इन ग्लोबल स्पेशल स्कूल। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हाउ टू ओवरकम फ्रॉम एनजाइटी एंड डिप्रेशन। कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, काफ़ी सारी कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज हैं जिसमें आपकी सेल्फ हेल्प स्ट्रेटजीज आ सकती हैं, प्रोफेशनल हेल्प आ जाती है, सपोर्ट फ्रॉम लव वन, ठीक है। इन सारी चीज़ें, ये सारी स्ट्रेटजीज को मिला के हम जो है वो इस चीज़ से ओवरकम कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प स्ट्रेटजीज के अंदर माइंडफुलनेस और मेडिटेशन आ सकती है, कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज माइंडफुलनेस की आप करके, ठीक है, तो एनजाइटी और डिप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, जो कुछ हो चुका है उसको अगर बार 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 आप अपने माइंड में लाएंगे तो वो आपकी एनजाइटी और डिप्रेशन को जो है वो बढ़ाएंगी। सो फोकस ऑन योर प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। तो इसके लिए आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जस्ट लाइक PMRT कर सकते हैं। तो इसमें आपके मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी एनजाइटी और डिप्रेशन में जो है वो काफ़ी कमी होती है। उस टाइम आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, आपके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है, आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। इसके अलावा आप जो है वो डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, ब्रीथ इन एंड आउट, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं एक खुली हवा में, ठीक है। आप अपनी मेडिटेशन जो है वो इस तरह से कर सकते हैं, आप ग्रीनरी एरिया में जाके अपने बिल्कुल सामने, जैसे लाइक गाइडेड इमेजरी हम करते हैं, ठीक है, जिसमें हम जो है आप अपने आँखों के आगे एक ऐसा व्यू लाते हैं जो कि पीसफुल होता है, और अपनी आँखों को बंद करते हैं और अपना एक पूरी एक इमेजिन करते हैं उस व्यू को, ठीक है। तो आप ये वाली एक्सरसाइजेस कुछ करके तो आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ग्राउंडिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप अपने प्रेजेंट पे फोकस करते हैं ताकि आप अपनी वरीज को जो है वो आपकी जो पास्ट की वरीज हैं उन सबको आप रिड्यूस कर सकें, ठीक है। इसके अलावा जर्नलिंग आ जाती है, जिसमें आप अपने जो भी आपके थॉट्स हैं आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप उसको राइट डाउन करें, ठीक है, राइट डाउन करके, और आप उसको बेशक अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जो आप चाहते हैं कि ये जो है ये बिल्कुल मेरी ज़िंदगी से निकल जाए, ठीक है, तो उसके लिए आपने वो क्या करना है, वो राइट डाउन करके और आपने उस चीज़ को या तो फाड़ देना है या जला देना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, जर्नलिंग बहुत एक अच्छी टेक्निक है। इसके अलावा कनेक्ट विद नेचर, आप अपने जो है वो आउटडोर कुछ जो है वो एक्टिविटीज़ में टाइम स्पेंड करें ताकि आपका मूड जो है वो इम्प्रूव हो सके। इसके अलावा प्रोफेशनल हेल्प में आपके आ जाता है, थेरेपीज़ आ जाती हैं, जैसे टॉक थेरेपी होती है, साइकोडायनेमिक थेरेपी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, इसी तरह काफ़ी सारी फॉर्म्स की थेरेपीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, जो कि आप प्रोफेशनल हेल्प से इससे रिड्यूस आप अपने सिम्टम्स को कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकेशंस, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपका एंजाइटी और स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो आप मेडिकेशंस की तरफ जा सकते हैं। और अगर नॉर्मली एक सिम्टम्स आपके सिर्फ शो हो रहे हैं बट डायग्नोज नहीं है आप, ठीक है, एंजाइटी डिप्रेशन के साथ, तो आप काउंसलिंग सेशंस ले सकते हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ, और उनसे फिर इस तरह आपकी जो है वो किस तरह क्या होगी, आपकी स्ट्रैटेजीज डिवेलप हो, बेसिकली करते हैं कोपिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है। और इसके अलावा स्पोर्ट्स सिस्टम, आप स्पोर्ट्स ग्रुप्स को जो ऐसे ज्वाइन करें, अपना एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन करें जो बाकी आपको समझता हो, जैसे फ्रेंड्स का ग्रुप होता है जो आपको समझता हो, जिसे आप शेयर कर सके, ठीक है, जो आपको अंडरस्टैंड करता हो। इसके अलावा आपका जो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो आपका रिलेशनशिप हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। आपको सबसे पहले आपने क्या करना है कि प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, लाइक यू हैव टू ट्रीट यूर सेल्फ विद काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, कि अपने आप को भी आपने इस तरह से अपने आप को ट्रीट करना है कि एक खुद पे भी, जैसे कहते हैं हम कि हमने खुद पे भी रहम करना है, ठीक है। तो आप इसी तरह अगर आपको फ्यूचर की टेंशन है, आपने रियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं, ठीक है, तो आप अपने गोल्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं स्मॉलर में, ठीक है, अचीवेबल गोल्स में, ऐसे नहीं कि अपने आपके काम का बर्डन डाल देना है, ठीक है, कि आपने ये करना ही करना है, तो इससे एंजाइटी और डिप्रेशन ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ होता है, रिड्यूस नहीं होता। इससे बेहतर है कि आप अपने टास्क को जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर लो और उस तरह से आप अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाता है ब्रेक्स लें, ठीक है, अपने आप को रेस्ट दें, यू नीड टू ब्रेक योर सेल्फ, यू नीड टू टेक रेस्ट, ओके। सो इसमें जो है आपकी बॉडी को रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा आ जाता है नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें, आप रीफ्रेम करें नेगेटिव थॉट को, कि ये थॉट जो आ रहा है ये क्या पॉजिटिव भी तो हो सकता है, क्या पता जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत हो, वो हम उसको पॉजिटिव वे में भी लेने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसके अलावा ये सारी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिसको आप यूज़ करके जो है वो आप इस चीज़ से ओवरकम कर सकते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन से। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।